लाइट को ऑफ कर दो मैं कि ये कैसा नजर आते। ये देखे व्यूअर्स स्क्रीन देखे माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन खूबसूरत। नीचे ओवन भी देख सकते हैं बिल्कुल जो है बेस्ट होते हैं। दोनों बर्नर भी लग गया है, ओवन भी लग गया है, बिल्कुल जो है बेहतरीन है। ठीक है ये देख सकते हैं दोस्तों वापस में लाइट, ये देखे इस पर जो है इस तरह स्क्रैच नहीं लगता, बिल्कुल जो है बेहतरीन हो। अभी ये एक बर्नर मैंने ऑन किया, ये देखे इसका फ्लेम चेक करें, बिल्कुल ब्लू फ्लेम है, बिल्कुल जो है बेहतरीन है। ये जो है इसका जो फ्लेम होते है ये छोटे होते लेकिन इसका हीट ज्यादा होते है। ये सेंसर रिलीज का ऑप्शन है, 3 सेकंड तक मैं पकड़ता हूँ ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। ये देखे रिलीज हो गए, ठीक है तो बटन ऑन होगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इस तरह फंक्शन अवेलेबल है इसमें, ये देखे ऑफ हो गया बिल्कुल, देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा है। और ये जो है ऊपर से भी फ्लेम लगता है, नीचे से भी फ्लेम लगते हैं, बिल्कुल बेस्ट होते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद खालिद सैद इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो जो है इसमें हम आपको जापानी स्टोव दिखाएंगे, वो स्टोव दिखाएंगे जो जिसमें फुल फंक्शन मौजूद है और इससे जो है अभी तक इतना फंक्शन इतने इसमें मौजूद है कि अभी तक जो है दूसरा चूल्हे इस तरह नहीं आया। तो इसका पूरा डिटेल भी आपको देंगे और साथ में एक खूबसूरत डेमो भी देंगे। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चलो दोस्तों आपको चूल्हा ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने दोस्तों जो है इसमें दो सेल लगाना होगा, जो बी साइज का सेल लगता है आम सेल आम स्टोरों में भी मिल जाता है। इसका चूल्हे का जो है थोड़ा फीचर आपको बता दें कि इसमें क्या फंक्शन मौजूद होते हैं, क्यों लोग पसंद करते हैं और इतना जो है इसमें ख़ास क्या है कि जो लोग जो है ज़्यादा लेता है। तो ये जो दोस्तों ये नॉन स्टिक स्टोव है, इसका जो टॉप है ये नॉन स्टिक है, ये स्क्रैच नहीं होता, ये सब हमारे साथ यूज़ में आते हैं, ब्रांड न्यू नहीं आता। इसका जो टॉप होते इसे कलर चेंज नहीं होता, आप स्टील शोड़े से भी साफ कर सकते हैं, हर चीज इस चीज से साफ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये सेंसर लगे होते हैं, ये सेंसर जो है अगर सालन जलते हैं तो ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद डैम करते या ऑफ हो जाते हैं, ये खूब इसमें मौजूद है। बाज लोग कहते हैं कि ये दूध और चाय में भी काम करते हैं लेकिन नहीं, दूध और चाय में इसी वजह से काम नहीं करता। जो है व्यूअर्स को भी पता होगा कि जैसे जो है दूध और पानी अपने टाइम से जल्दी उबलता है, ये जो है सिर्फ सालन में काम करते हैं, पानी में काम करते हैं। जो है बर्तन में पानी ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, सालन जो है सालन में पानी ख़त्म हो जाए ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, सारा फंक्शन मौजूद होते हैं। इसमें खूबी है कि हर बर्नर को आप टाइम दे सकते हैं, इस बर्नर को भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं और ओवन को भी टाइम दे सकते हैं, इस तरह फंक्शन इसमें मौजूद है। जिस तरह हमने बताया कि इधर दो सेल लगते हैं, डी साइज का सेल, ठीक है अभी ऑपरेट करते हैं। ये नॉन स्टिक भी व्यूअर्स को चेक कराते हैं, बास कस्टमर कहते हैं कि ये नॉन स्टिक उसके जहन में नहीं होता कि नॉन स्टिक क्या होते, ठीक है। ये देखिए ये ब्लेड है ना, ब्लेड ए में भी चेक करता हूँ, ये देखिए इस पर जो है इस तरह स्क्रैच नहीं लगता, बिल्कुल जो है बेहतरीन होते। ये देखिए इस पर स्क्रैच नहीं लगता, दोबारा जो है हाथ मार लो तो खूब इसमें ये है, ठीक है। तो अभी ये एक बर्नर मैंने ऑन किया, ये देखिए इसका फ्लेम चेक करें, बिल्कुल ब्लू फ्लेम है, बिल्कुल जो है बेहतरीन है। ये जो है इसका जो फ्लेम होते है ये छोटे होते लेकिन इसका हीट ज़्यादा होते, ये जो है जो फालतू गैस को जो है जलाता है इस तरह होते। ये 100% जो है ब्लू फ्लेम देता है और बिल्कुल बेहतरीन है। और ये जो है इसका फ्लेम छोटा होते हीट ज़्यादा होते, ठीक है। इधर से जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए मैंने कम किया, फ्लेम कम हो गया, ठीक है। दोबारा मैं ज़्यादा करते उधर फ्लेम ज़्यादा हो गया, ठीक है। इधर से आप टम्परेचर सेट करा सकते हैं, जितना टम्परेचर आपने देना होगा, ठीक है। ये देखिए ये फिर वाटर बॉयल कुक बॉयल का फंक्शन है, ठीक है। अगर इस बर्नर को आप टाइम देना चाहते हैं तो सिंपल ये बटन पुश कर ले, इधर से टाइमिंग ज़्यादा कर सकते कम कर सकते, इस तरह फंक्शन मौजूद है, ठीक है। वापस जो है हम ख़त्म करते ये बटन दोबारा दबा लिया मैंने, ख़त्म किया, ठीक है। फिर दूसरा बर्नर को चेक करें, ये देखिए ये भी मैंने लगा लिए, कम कर सकते ज़्यादा कर सकते, बिल्कुल जो है बेहतरीन है। ये भी ये सेंसर रिलीज का ऑप्शन है, 3 सेकंड तक मैं पकड़ता हूँ ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, ये देखिए रिलीज हो गए, ठीक है।
वापस मैंने ख़त्म किया, ठीक है। अगर इस बर्नर को आपने टाइम देना है, सैंपल ये बटन दबाना होगा। ये देखे, अगर कैमरामैन साहब बटन को पकड़े तो ये देखे, ये बटन मैंने पुश किया, अभी इस बर्नर को टाइम हुआ इसको, क्योंकि इस साइड का है। अगर इस बर्नर को टाइम देना चाहते हैं दोबारा दबा लो, ये देखे बीसी इस साइड को हुआ। इस साइड को मैं एक मिनट देता हूँ, एक मिनट बाद ये खुद बहुत ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते। जब 30 सेकंड तक बोझ जाए, सेकंड स्टार्ट होते, वो सेकंड के बाद जो है ऑटोमेटिकली खुद बहुत ऑफ हो जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, बस अभी जो है इसके बाद सेकंड आएगा। और दूसरी खूबी इसमें ये मौजूद है कि ओवन डबल है, नीचे से भी फ्लेम लगती है, ऊपर से भी फ्लेम लगते हैं और बिल्कुल बेहतरीन होते। वो भी जो है ये जब सेकंड 30 सेकंड तक पहुंच जाए, सेकंड स्टार्ट होते, सेकंड जब ख़त्म हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये देखिए सेकंड स्टार्ट हुआ, बस ये सेकंड के मुताबिक जो है ये बंद होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरह फंक्शन अवेलेबल होते हैं। इसमें दरमियान में ये ओवन है जो बेकिंग भी कर सकते हैं आप, इसमें बारबेक्यू भी कर सकते हैं, बिल्कुल जो है बेहतरीन होते हैं। अभी जो है ये 10 सेकंड बाकी है, जब पूरा हो जाए तो बटन ऑन होगा, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इस तरह फंक्शन अवेलेबल है इसमें, ये देखे ऑफ हो गया, बिल्कुल जो है बेहतरीन। बटन ऑन है, चूल्हा ऑफ हो चुका है, बिल्कुल बेस्ट है, बेहतरीन है, ये देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम आपको ओवन चेक कराते हैं, जो ओवन में जो फंक्शन अवेलेबल है, ये देखे दोस्तों, माशाल्लाह, ये देखे व्यूअर्स, बिल्कुल साफ कंडीशन, बिल्कुल बेहतरीन, ये देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा है। और ये जो है ऊपर से भी फ्लेम लगता है, नीचे से भी फ्लेम लगते हैं, बिल्कुल बेस्ट होते। अगर मैं लाइट बंद करता हूँ फिर व्यूअर्स को दिखाता हूँ कि ये किस तरह होते। दोनों बर्नर को भी मैं लगाता हूँ, ये देखिए बर्नरों को भी मैंने लगा लिया, ओवन को भी लगा लिया। अभी लाइट को ऑफ करता हूँ मैं, ये कैसा नजर आते। ये देखिए व्यूअर्स, स्क्रीन देखिए, माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन, खूबसूरत। नीचे ओवन भी देख सकते हैं, बिल्कुल जो है बेस्ट होते हैं। दोनों बर्नर भी लग गया है, ओवन भी लग गया है, बिल्कुल जो है बेहतरीन है, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, वापस मैं लाइट को ऑन करता हूँ, ये देखिए लाइट को मैंने ऑन किया। आप ओवन को भी टाइम दे सकते हैं, ओवन को भी इधर से टाइमिंग ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सर ये देख सकते हैं। और ओवन में बेकिंग बारबेक्यू आप दोनों कर सकते हैं। अगर बेकिंग करना होगा तो सैंपल ट्रे में कर सकते हैं, बारबेक्यू बनाना होगा दाल के ऊपर आप बारबेक्यू कर सकते हैं। ये मैंने ऑफ किया, इस तरह फंक्शन इसमें अवेलेबल है, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त है। इसमें फिर हमारे साथ आपको वाइट कलर भी मिल सकता है, ब्राउन कलर भी मिल सकते हैं, सब कलर हमारे साथ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर ये कैमरामैन साहब आपको दिखा रहे, बिल्कुल जो है बेहतरीन होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।